आंटी आज है ना बिजी है। कह रहे चल तो मेरे को बाहर घुमा के लेके चल। ये है हमारी कार्डमम टी। इंसान का मन में मन साफ होना चाहिए। गुड मॉर्निंग, करते हैं दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव सोच और अच्छी सी स्माइल के साथ। बादल हो रहे हैं, थोड़ा मौसम ऐसा है, ठीक ठाक सा है, बारिश हो भी सकती है और धूप ज़्यादा नहीं है पर गर्मी है बहुत ज़्यादा। और आंटी आज है ना बिजी हैं, अभी थोड़ा बाहर जा रही हूँ और फिर वापस आऊँगी, फिर हो सकता है मार्केट भी जाना पड़ जाए, पता नहीं है पक्का। और मेरे घर में वाइट वॉश हो रही है, वो भैया हैं तो चलो मैंने तो चाय पी ली है, उन भैया को चाय पिला के आते हैं। भैया चाय। ये कब कर दोगे भैया, कब कर दोगे? मुझे कब दे दोगे? झूठ बोल रहा है। ये हमारे रूम का एक का इतने दिन से, यानी कि कितने दिन, 8, 2, 4, 6, 8, 10 आदमी लगे तब इस एक कमरे का जो कि बड़ा नहीं है। ये इधर तो न्यूज़पेपर लगा के शीशे में ही वो मैंने ढका कि ये वाइट वॉश ना लगा दे, और उसमें भी पता है क्या, देखो इधर से इसने स्प्रिट लगा के ये पॉलिश ही उतार दी। बताओ अब मैं उसको पॉलिश लगाने के लिए फिर किसी को लेके आऊँगी, मतलब बढ़ा दिया काम। गोदी पे थोड़ी बिठाऊंगी, बैठ के नीचे जा, जाओ नीचे जाओ, शाबाश जाओ। उधर से घुस गया, आज ए डोबी आज 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 आइए डोबो आज आगे आगे आगे। अभी शाबाश। अब देखो ये रस्सी हम इसलिए रखते हैं कि अगर ये बैठ के नीचे घुसता है तो ये रस्सी पीछे रह जाती है तो हम निकाल लेते हैं, नहीं तो ये मेरे पास तो फिर भी आ जाता है, नहीं तो निकलता नहीं है। अभी मुझे पता क्या कर रहे हैं, कह रहे चल तो मेरे को बाहर घुमा के लेके चल। आंटी आज खाने में क्या बनाए? काले छोले। बहुत अच्छे है। काले छोले मतलब क्या, वो काले हैं या उन्हें काला करा गया है? हैं ही काले। काले किसको क्या कैसे करेंगे? अच्छा काले छोले, नहीं मुझे लगा जैसे वो भटूरे जो नहीं होते जिन्हें काला कर देते हैं। मेरे को पहले इतना अजीब लगता था, मुझे लगता था कि नहीं नहीं, जब बच्चे में काले छोले लाते थे मुझे लगता था ये अमीर लोग हैं, इनके छोले अपने आप काले कैसे हो जाते हैं, मतलब हमारे घर पे तो दाल जैसे कलर के छोले बनते हैं, सफेद मतलब वही पीले रंग के छोले। सब्जी बनाई पराठे, जैसे पराठे नहीं है ये मल्टी लेयर पराठे हैं, तो एक पराठे को कि तुम 3 लेयर्स खा सकते हो तो तुम्हें लगेगा कि तुमने 2-3 रोटी खा ली। तूने नहीं मंगाया क्या? नहीं मंगाया। फिर तुझे याद नहीं है? पता ही है। क्या है? कॉफी मशीन। इतने में ही आ जाती है कॉफी मशीन? कम मसाला। अच्छा कॉफी मशीन। यार मम्मी फ्रिजर में कुछ भी खोल लो, कभी कुछ मिलता ही नहीं, ऐसे होना चाहिए ना कि बढ़िया बात है आइसक्रीम हो। हाँ जिससे तू पूरे दिन लग, अगर रख के देख लो मैंने सारी ट्राई मार ली, 5 मिनट बाद में देखूं तो मिलती नहीं। हम एक मस्ती चीज लाए हैं दिखाते हैं, देखो ये देख रहे हो इतनी कॉफी है, कॉफी। अब तुम सोच रहे होगे पहली बात तो ऐसी कॉफी देखी नहीं और इतनी कॉफी का ही करेंगे क्या, तो बात ये है कि भैया देखो पहले सोते थे 4 घंटे, अब भैया ने कहा कि काम इतना ज़्यादा हो रहा है कि सो तो सकते ही नहीं, 24 का 25 घंटे नहीं कर सकते लेकिन 24 घंटे तो काम करना है, तो भैया ने ये क्या कहते हैं कॉफ़ी मंगाई है, अब भैया पूरे दिन कॉफ़ी पियेंगे एकदम 24 घंटे काम करेंगे। तो ये जो कॉफ़ी है ये हम कॉफ़ी मशीन के लिए लाए हैं, हमारी मशीन अभी आई नहीं है लेकिन हमारी कॉफ़ी एकदम आ गई है। ये है हमारी कार्डमम टी प्रीमिक्स। अच्छा अलग अलग थी क्या ये? मैं सोची सेम ही है सारी। ये कार्डामम क्या होता है मम्मी? इलायची। इलायची। ये इलायची वाली चाय। ये क्या है ये? ये प्लेन टी प्रीमियम। अबे तो नॉर्मल चाय में भी तो इलायची होती है, बेवकूफ बना रहे हैं मम्मी। नहीं, नहीं, ये। भाई वो दूसरा कहाँ गया?
नहीं खुली है, नहीं माना। मैंने कहा मैं मंगवा दूंगी एक घंटे के अंदर, देख ले हो गया ना एक घंटा, और वो अभी तक नहीं आया। और जब भी मैं बोली मैं मंगवा दूंगी, तुम अपना काम करो, इतने क्या इतनी देर, इतना ही काम नहीं था, वो भी रगड़ के मार देते इतनी देर। डांटो मत भैया को। अरे डांट नहीं रही, मतलब जो काम मैं कर रही मंगवा रही थी वो खुद करने गया है, तो वो टाइम तो अरे चील चील करो ना आप, जस्ट चील चील। काम चील काम वो कर रहे हैं, खाना वो बना रहे हैं, प्रैक्टिकल मैं दे रहा हूँ, पुट्टी वो कर रहे हैं। यहाँ मेरे किया क्या आपने सुबह से? सच बताऊँ कुछ नहीं किया। हाँ तो फिर बस यूँ हो रहा है ये सब करके जाए तो मैं थोड़ा ठीक से रहूँ। बताओ मैं अच्छा थर्ड फोर्थ फ्लोर पे चले जाओ, ऐसे नहीं जाया जाता तुम्हारी तरह, तुम तो लाखों की तरह निकल। इंसान का मम्मी मन साफ होना चाहिए। मन बहुत साफ है मेरा। बाहरी सुंदरता तो कुछ समय के लिए होती है, लेकिन जो मन है वो सही होना चाहिए। कोई नहीं देखता, होना चाहिए तो कोई देखता नहीं है। बड़े हैं, बड़े से हैं, तो मैंने एक इमेज बनाई थी बड़े से। फिर मेरे को दूसरा बच्चा कहा अमन भैया जैसे सही है, तो मैंने कहा फिर बड़े से काम हो गए, तो चलो आप बैठो मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं चाय नहीं, मैं बस तो पीते हैं ना आप चाय। हाँ लेकिन अभी नहीं। लेके आ रहे हैं। देखा है क्या एक्सरसाइज भी स्टार्ट करी आज, कितने किलोमीटर चल गए हैं, कल साइकिल भी खरीद के लिए गया। अभी बैठ जाओ मेरे साथ, चलेगा? मैं यहीं बैठी। हाँ तो भी बैठ आप ही के साथ पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, मेरे साथ भी करना कभी बाद में। फिटनेस में कहना तो मुझसे लोग कुछ चल क्यों रहे हो, तो मैंने बोला कि मैं भाग नहीं सकता बिकॉज मेरा थोड़ा स्पाइन कंडीशन है, भागना अलाउड नहीं है। अच्छा आपको स्पाइन में कैसे प्रॉब्लम है? मैं 20 फीट से कमर में गिर गया था। क्यों? ट्रेनिंग के टाइम मैं फौज में था इससे पहले। अच्छा आप आर्मी में थे? हाँ इंडिया में था मैं, और ट्रेनिंग के दौरान एक्सीडेंट हो गया 2017 में। आप कहाँ से? वैसे रांची से। रांची से दोन के घर से। तो वही है, दर्द तो होता है तो कभी कभी ख्याल, जैसे अभी दिल्ली पहुंचा था तो थोड़ा बढ़ गया था पेन, तो फिर MRI वगैरह कराया, न्यूरोसर्जन से लिया। वो मेरी न्यूरोसर्जन को बोलती है कि आप वेट कैरी मत करो, अब मैं चल रहा हूँ तो मेरे साथ 9 kg 10 kg का बैग भी होता है, अब बिना बैग का मैं कैसे ही जाऊँ, मुझे अपना सामान भी तो चाहिए, कपड़े चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उसने बोला नहीं, मैंने बोला वो तो ऑप्शन है नहीं, अभी 1000 किलोमीटर और बचा है, तो ये तो प्रॉब्लम हो गया राइट। उसने बता दिया आप मत करो, मैंने बोला ये हो नहीं सकता, तो उसका सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि बेल्ट दिया जा सकता है, आप थोड़ा मेडिसिन दे दो, SOS में डाल के, या आप किसी को साथ में बाइक वगैरह पे या साइकिल पे कोई और चलता रहे वो बैग ले ले साथ में। द थिंग इज जैसे आपने बोला ना, तो मेरा अगला क्वेश्चन रहता है कि चलो आप फिर। पर मैं तो जैसे नहीं चल सकती, पर जैसे आप किसी को जैसे हम रखते हैं वैसे रख सकते हो। और हाय एवरीवन, गुड इवनिंग आंटी, हाजिर है? अभी मैं ये दूसरी बार चाय पी रही हूँ, क्योंकि पहली बार थोड़ी 4 बजे पी ली थी, अभी 6:30 बज गए हैं, अभी मैं व्हाइट वॉश हो रही है ना, तो मिट्टी विट्टी हो रही थी, तो अभी नहा के आई। 2 दिन से ब्लॉग भी नहीं डाला इसलिए, क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा ही नहीं लग रहा है, ऐसे गंदा गंदा सा पड़ा रहता है सब, तो मन अच्छा सा नहीं होता है थोड़ा सा। ये डोबी माशी है, ये कह रहे हैं बाहर घुमा के ले आते, हमारी चाय हो गई बहुत है। चू चू कर रहा है, तो इसको भी लेके जाती हूँ चाय पी के। शाम का मौसम अच्छा है, दिन में कैसा था मुझे पता नहीं, आज मैं घर के अंदर ही थी तो गर्मी ज़्यादा थी या कम इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, ठीक ठाक सा ही लग रहा था मुझे तो, पर अभी अच्छा लग रहा है। फिर दूसरी बात, दिन में मूड अच्छा ज़्यादा नहीं होता क्योंकि वाइट वॉश होती है, तो सबको पता है घर में थोड़ा सा आपको कुछ नहीं करना होता है, बस यहाँ ही होता है कि जैसे सब कुछ, तो यही चीज़ थी बस। और आंटी बैठी हैं अपने फेवरेट जगह पे, और बहुत अच्छा मौसम है, देखो शाम हो रही है, शाम के टाइम यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। आजकल 2-3 दिन से मैं लगातार बैठ रही हूँ, यहाँ आने पे दो काम हो जाते हैं, एक तो टंकियाँ देख लेती हूँ, मैं नहीं आती हूँ तो ये टंकियाँ खाली पड़ी रहती हैं, खाली हो जाती है ना तब संभालते हैं, ये नहीं कि खाली होने से पहले संभालनी होती है। नीचे इस टाइम मेरे को थोड़ा मन कम लगता है, ऊपर आती हूँ तो फिर मैं बात कर लेती हूँ तो अच्छा लगता है। इस टाइम मैं सच्ची वाली अपनी मम्मी को मिस करती हूँ, सच्ची वाली मतलब सच्ची वाली, मुझे ऐसे होता है जैसे इस टाइम मुझे मम्मी के पास होना चाहिए, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा होने लग गया तो मैं सच में मिस करती हूँ। मेरी बातें हैं ना कभी कभी लगता है बच्चों को थोड़ा बोर कर देती हैं, पता है बोर होने लगो स्किप कर दिया करो, आगे निकाल दिया करो। आंटी सारे ऑप्शन देती है, इतने ऑप्शन कोई देता है? वैसे आप लोग तारीफ करते हो ना
आंटी है, मैं तो सच्ची में सोच ही नहीं पाती इतनी तारीफ भी करते हैं। तो मैं सोचती हूँ अरे बच्चे इतना प्यार करते हैं मेरे को, मुझे तो पता ही नहीं था।